कांग्रेसों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के हक को लेकर हमने निरंतर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर उपराष्ट्रपति द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उस पर हमने अपना स्टैंड रखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी हमने पत्र लिखा है, दुष्यंत चौटाला से भी हमने बात की है। अब सही समय है कि हरियाणा के लोगों को पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर उनका हक दिलवाया जाए। पंजाब विश्वविद्यालय में हरियाणा वासियों को उनकी जगह दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है, मगर इसके सहारे अपने कमजोरियों को छिपाने के लिए जिस पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है वो किसानों के कंधों पर अपनी राजनीति को सेट करने का काम कर रहे हैं। सुनिए इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने क्या कहा। हूं कि आप सब लोग बहुत कम समय में समय निकाल करके यहाँ आए। आप इस बात से परिचित हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में निरंतर हरियाणा के हक को लेकर के हमने आवाज उठाई है और अब इसको लेकर के जो कमेटी उपराष्ट्रपति जी द्वारा बनाई गई थी उस पर हमने अपना स्टैंड रखा है। वहीं हमने हरियाणा प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी को भी एक पत्र लिखा है, दुष्यंत जी से भी इस विषय में बात की कि अब ये हाई टाइम है, दिस इज द राइट टाइम। इस समय की नजाकत को समझ करके हरियाणा के लोगों को पंजाब विश्वविद्यालय के अंदर उनका हक दिलाने के, मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र की सरकार माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा जो गठित कमेटी है वो और हरियाणा की सरकार एक सामन्वय स्थापित कर करके हरियाणवियों की जगह हरियाणवियों को दिलवाने का काम पंजाब विश्वविद्यालय में करेगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा विषय, पिछले लंबे समय से किसान एजिटेशन चल रहा है, किसान भाई हमारी अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर हैं, मगर इसके सहारे अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जिस पार्टी का आज देश में कोई नाम लेने वाला नहीं बचा उस पार्टी के बेगैरत नेता आज प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक उसको सिद्ध किया जाए। दुष्यंत चौटाला जी का कार्यक्रम फरीदाबाद में था, पलवल में भी था, होडल में भी था, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी उनका कार्यक्रम था। जब वो फरीदाबाद गए तो फरीदाबाद के लोगों ने बड़ा स्वागत किया, उसके बाद पृथला के जब गांव के अंदर गए, आप सब लोगों ने देखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो लोग ये कह रहे थे कि इनको कोई गांव में नहीं जाने देगा उन्हीं गांव के लोगों ने 5-7 हजार की संख्या में दुष्यंत चौटाला जी का बड़े धूमधाम से स्वागत किया। दुष्यंत चौटाला ने जाकर के वहां सरकारी जो परियोजनाएं हैं उनकी बात अपने लोगों के सामने रखी, प्रदेशवासियों के सामने रखी और बहुत कामयाब कार्यक्रम वो हुआ। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि उसी गांव के बॉर्डर पर कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक करण दलाल और इंडियन नेशनल लोकदल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौहान साहब हैंड इन हैंड यानी हाथ में हाथ मिलाकर के अपने समर्थकों के साथ दुष्यंत चौटाला का विरोध करने पहुंचे। आज ये बात एक्सपोज हो गई मीडिया के सामने, पूरे प्रदेश के सामने, कि ये चाल भूपेंद्र हुड्डा की। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।